मेरा नाम मोहम्मद फयाजुद्दीन है। मेरा जो मकान है जुबैर कॉलोनी सिटी स्कूल के पीछे आता। थोड़े दिन से हमारे घर में तबीयत ठीक नहीं थी, हमारे सास की तो हम हॉस्पिटल गए हुए थे। तो इसी दौरान हम एक दो दिन घर पे नहीं थे, तो इसमें यह हुआ कि हम संडे के दिन जब सुबह आके देखे घर पे, तो घर का जो ताला लगे हुआ ही है मगर कुंडी तोड़े हुए हैं, और अंदर पूरे मेरे हमारे घर के अलमारियाँ तोड़ के कपड़े तितर बितर कर दिए और पूरा सामान इधर उधर फेंक दिया। और तकरीबन दो तोले सोना, ऑर्नामेंट्स वगैरह और 15,000 कैश चोरी हुआ है। ये सब पूरा अलमारी के अंदर था, तोड़ के लेकर गए सब। और इस हालांकि कॉलोनी में आसपास हमारे पड़ोसी सब लोग हैं, इसके बावजूद भी सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुआ है इधर आसपास में गलियों में, फिर भी इसके बावजूद भी ये चोरी हो गई, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही बहुत गंभीर ये है चीज़ है। पुलिस वालों से अपील है कि रात में राउंडिंग करें और सख्ती से जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग करें, नहीं तो दिन ब दिन ऐसे वारदात बहुत होते जाए। ये भी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस बात की ये करिए कि ये एरिया जो खास करके जमजम कॉलोनी, जुबैर कॉलोनी, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें ख़ास तौर पे सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए तवज्जो होना है, इसके लिए आप भी थोड़ा ताउन करें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है ग्रामीण पुलिस स्टेशन के सर्कल साहब से और पुलिस डिपार्टमेंट से कि ये लोग अच्छा इन्वेस्टिगेट करके जल्द से जल्द ये केस को सॉल्व करें, और जो है हमारा जो भी अमाउंट, जो भी नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, इसकी भरपाई करें और रिकवरी करके इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें।